बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज मैं बनाऊंगी लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी, जो सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सब्जी है। तो चलिए स्प्राउट मूंग की सब्जी किस तरह बनती है देख लेते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम हरे मूंग को लिया है। अब इसको अंकुरित बनाने के लिए रात भर पानी में भिगो दूंगी। आप चाहे तो इस साबुत मूंग को भी लेकर इसे बॉईल करके इसकी सब्जी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसे हम अंकुरित होने देंगे। तो देखिए, मैंने रात भर 100 ग्राम हरे मूंग को भिगो कर रख दिया था, तो वो अच्छी तरह से भीग गए थे। उसके बाद फिर मैंने कॉटन के कपड़े में इसे 2 दिन के लिए रख दिया था। तो देखिए, स्प्राउट बहुत अच्छी तरह से निकल गए हैं। ये स्प्राउट वाले मूंग बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखी हूँ मैंने, उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है, इसीलिए इसमें तेल का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं। तेल गर्म हो जाएगा, उसमें देखिए यहाँ पर हमने 8 से 10 लहसुन लिए हैं, जिसे बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। ये डालकर हमें बहुत ज्यादा इसे भूनना नहीं है, हल्के से ये सॉफ्ट फ्राई हो जाएंगे वहां तक ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज्यादा अगर गोल्डन कर देंगे लहसुन को तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है और इसे बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो प्याज को स्लाइस में भी कट कर सकते हो। और प्याज को भी हमें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। चार से पांच हरी मिर्च ली है हमने, जिसे बीच में से इस तरह से कट लगा दिया है। ये थोड़ी सी तीखी वाली हरी मिर्च है, आप अपने हिसाब से इसको मिर्च को डाल सकते हो। प्याज को भी मैंने धीमी आंच पर, देखिए हल्का सा ये सॉफ्ट हो गई है, वहां तक इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज्यादा इसे जलाना नहीं है। और गैस की फ्लेम धीमी रखकर ही प्याज को सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी हमारी धीमी है, एकदम धीमी आंच पर इसे पकाना है। अब जो स्प्राउट लिया है हमने, ये डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। जो लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। कम तेल में ही ये सब्जी बन जाती है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढककर रखेंगे, तो कम तेल में ये सब्जी अच्छी तरह से पक जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही फटाफट से भी बन जाती है। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे। याद रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, स्लो आंच पर ये अच्छी तरह से पक जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 7 से 8 मिनट में ही ये पककर तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, 5 से 6 चम्मच पानी ऐड कर दिया मैंने, और इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। बीच में आपको एक बार चेक कर लेना, अगर पानी इसमें सूख जाए तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हो आप। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी ये मूंग की सब्जी तैयार हुई है। हमने इसमें जो थोड़ा सा पानी डाला था तो वो भी अच्छी तरह से सूख चुका है, और हमने इसे चेक कर लिया है, ये पूरी तरह से गल चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्जी तैयार होती है। हमने इसे बहुत ही हेल्दी बनाया है, क्योंकि इसमें तेल का भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया है और गरम मसाले भी इसमें नहीं डाले हैं। अगर आप किसी को लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स में देते हो तो भी गिरने का डर नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम टिफ़िन बॉक्स में डाल कर देते हैं तो तेल इसमें से गिरने लगता है। तो इस तरह से आप ये सब्ज़ी को बनाओगे तो आराम से टिफ़िन बॉक्स में से तेल भी नहीं निकलेगा, और इसे बच्चे भी बहुत ही शौक से खाते हैं। तो गैस बंद कर देती हूँ मैं, और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो देखिए कितने फटाफट मैंने इसे बना लिया है।
हमने जो इसमें प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया है उसकी मिठास भी बहुत ही अच्छी लगती है इस सब्जी में, तो इसे मैं रोटी के साथ सर्व कर लेती हूँ गर्मा गर्म। अभी के इस माहौल में सेहतमंद रहना बहुत ही जरूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सब्जी है। घर के सभी लोगों को आप इसे बनाकर जरूर खिलाएं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।